गुजरात बीजेपी कार्यालय की मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको। मैं कार्यालय में मौजूद हूं और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पार्टी की जीत से खुश हैं, उत्साहित हैं और आप देखिए कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। यानी आमतौर पर जैसा होता है हर चुनाव के बाद जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है और यहाँ भी सब मोदी को श्रेय दे रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। हालांकि ये रुझान में बीजेपी को बढ़त पहले ही मिल गई थी, पहले ही क्लियर हो गया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन यहाँ जश्न और मनाने में जो देर हो रही थी वो एक संकेत शायद ये भी माना जा रहा था कि बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव से कम हैं, इसलिए कुछ असमंजस की स्थिति दिख रही थी। लेकिन अब यहाँ पर उत्साहित कार्यकर्ताओं को मैं दिखाना चाहूँगा, जो सीढ़ियाँ हैं कार्यालय की वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और ये लगातार मोदी मोदी की जयकार हो रही है, आवाज नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर कार्यकर्ता और पार्टी के नेता खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये एक पहला अब ऐसा मौका है कि जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इस तरह के नारेबाजी की है। इससे पहले टैली जो है वो बता रही थी कि बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है गुजरात में, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे भी थे लेकिन इस तरह के ना नारे लग रहे थे, ना कोई जश्न हो रहा था। और जैसा दावा किया गया था कि जश्न की तमाम तैयारी की है यहाँ नेताओं ने, लेकिन अब यहाँ पर जो हाल है पार्टी दफ्तर का वो बदल गया है, गहमा गहमी बढ़ गई है, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता नेता यहाँ पहुँचने लगे हैं। और जैसा मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि नारेबाजी हो रही है, नरेंद्र मोदी के लिए जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय बोली जा रही है। यानी फिर से एक बार भगवा झंडा जो लहराया है, फिर से एक बार बीजेपी सत्ता में आई है, उसकी खुशी यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है। मनमीत सिंह खालसा के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गांधीनगर।